एक बड़ा विरोध राजस्थान में देखने को मिल रहा है राइट टू हेल्थ पर। ये डॉक्टर्स हैं और आप देख सकते हैं धरती के भगवान, इनके खुद के यहाँ पर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किस तरीके से आपको ये चोटें आई हैं? सरकार के जवानों द्वारा हमें लाठियां मारी जा रही है, हमारे हाथ तोड़ दिए हैं, चेहरा तोड़ दिया है। लेकिन सरकार से हम कहना चाहते हैं कि बेबी होश में आ जाओ, ये चिकित्सक समुदाय रुकने वाला नहीं है, ये बिल कतई पास नहीं होने देगा, ऐसा अत्याचार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम झुंझुनू वीरों की भूमि, शहीदों की भूमि झुंझुनू से आते हैं और ये अत्याचार कतई सहन नहीं करेंगे। सरकार को फिर भी चैलेंज कर रहे हैं कि मान जाओ, होश में आ जाओ, ये बिल वापस ले लो, वरना हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। सरकार से कहना चाहते हैं गोलियां मार दो, चाहे मार दो, शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे, झुंझुनू से आते हैं, वीरों की भूमि है, हमारे भाई बहुत शहीद हुए, हम भी हो जाएंगे, लेकिन ये बिल कतई पास नहीं होने देंगे। ये क्या रहा पूरा घटनाक्रम, क्या रहा आज आप विरोध के लिए निकले, यहाँ रोका गया? हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे थे, हम विधानसभा का घेराव कर रहे थे, लेकिन पुलिस के जवानों द्वारा हमें लाठियां मारी गई है, हमारी जान लेने की कोशिश की गई है। ये इनके हालात आप देख सकते हैं, इनके चेहरे पर जो है खून निकल रहा है, इनके हाथों पर जो है खून निकल रहा है। ये धरती के भगवान है और एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या लगता है, सरकार से कोई बातचीत हुई आपकी अभी तक? कई बार बातचीतें हुई हैं और ये बता, ये बता, ये भाई साहब आप बताइए। सर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से जो नियुक्त प्रतिनिधि हूँ सरकार से वार्ता करने के लिए। सरकार ने एक्चुअल में हमारे निजी अस्पतालों के ऊपर इस आरटीएच बिल को जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रही है। सरकार का एक कोई भी नुमाइंदा हमारे सामने आके टेबल टू टेबल टॉक कर ले और ये बता दे कि इस बिल में वो क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं देश की जनता, राज्य की जनता को, जो अभी तक नहीं दिया जा रहा है। जनता को स्वास्थ्य के अधिकार, जीने के अधिकार में शामिल होता है, उसके तहत स्वास्थ्य का अधिकार दिए जाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। निजी विरोध कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि ये पहले से भी योजनाएं चल रही थी। हाँ, इसीलिए योजनाएं चल रही है, योजनाओं में फ्री इलाज निजी अस्पताल सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं, तो फिर इस बिल की जरूरत क्यों है? आपको समझ में नहीं आ रहा, आम जनता को समझ में नहीं आ रहा, ये बिल सिर्फ वोटों को लेने के लिए है और ब्यूरोक्रेट्स को निजी अस्पतालों पर जो अंकुश लगाने के लिए। इसके अलावा इस बिल में कुछ भी नहीं है। एक आम आदमी भी इस बिल को पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये बिल सिर्फ निजी अस्पतालों पर ब्यूरोक्रेट्स के नियंत्रण का कानून है। इसके अलावा सर जनता को इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान होगा, क्योंकि इसके अंदर इमरजेंसी को कोई परिभाषित नहीं किया गया और कोई भी बंदा इमरजेंसी लेके आएगा उसको अगली जगह रेफर किया जाएगा और वो अगला बंदा फिर अगली जगह रेफर किया जाएगा और इस दौरान वो बंदा मर जाएगा, कोई इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमरजेंसी की कोई परिभाषा नहीं है, उसका पेमेंट कौन देगा उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसकी रेट कोई डिसाइडेड नहीं है, उसका बजट अलाउड नहीं किया गया, कुछ भी अलाउ नहीं किया गया है, वो सब फ्री है। ठीक है, फ्री यदि हम करेंगे तो कहाँ करेंगे, आगे भेजेंगे, रेफर करेंगे और आगे रेफर करेंगे और इसी रेफर में बंदा मर। सरकार का कहना है कोई भी घायल आएगा उसको एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी, उसको इलाज तुरंत किया जाएगा। आपका कहना यह है कि जो इलाज होगा उसका कहीं भी कोई पैसा जो सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो उसका कोई बजट प्रावधान किया गया है, नहीं अभी तक कोई उसकी रेट डिसाइड किया गया है। और चिरंजीवी जैसी स्कीम के अंदर यदि वो कल को लाते भी हैं तो सब हॉस्पिटल उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरी बात, यदि चिरंजीवी के अंदर यदि वो इन्वॉल्व कर भी लें तो हर साल 20% वो रेट कम कर देते हैं। अभी 28 जनवरी को उन्होंने 20% रेट करी है। आपकी मांग हो गई कि बातचीत हुई है आपके जो एक डेलीगेशन से सीएम से भी बातचीत हुई थी, उसमें भी हल निकालने की बात कही गई, लेकिन अभी तक कोई नहीं निकला। उसके अंदर उन्होंने सिर्फ गोलमोल, हमारी स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने के लिए गोलमोल बातें की गई और जो प्रारूप पहले था वैसा का वैसा प्रारूप उन्होंने वापस थोप दिया। प्रवर समिति ने जो अभी अप्रूव किया है वो पुराने वाला ही बिल पास किया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं डॉक्टरों का ये विरोध है और आप ये भीड़ है, ये तमाम जो डॉक्टर हैं पूरे प्रदेश भर से आए हुए हैं और पुलिस का भारी जाप्ता राजधानी के स्टैचू सर्किल पर है और आप देख सकते हैं कुछ डॉक्टर यहाँ पर धरने पर भी बैठ गए हैं और इनका कहना है कि जो राइट टू हेल्थ बिल की जो बात है, क्या कहना है आपका, किस तरीके से आप धरने पर बैठे, क्या मांगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आरटीएच बिल है ये वापस लिया जाए, बिल्कुल तर्कसंगत बिल है ही नहीं ये। इसके अंदर कोई सरकार, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल काम नहीं कर पाएगा इसके अंदर। तो हम चाहते हैं कि ये बिल रोल बैक हो, किसी भी शर्त पे हमें ये बिल मंजूर नहीं है। लेकिन आप लोगों की हड़ताल से आम लोगों को भी तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम आम लोगों के साथ हैं, हमारी सिंपैथी उनके साथ है। ये बिल आम लोगों के लिए भी फेवर में नहीं है सर, ये बिल आम लोगों के भी फेवर में नहीं है। पेशेंट आएगा इमरजेंसी में, वो कहेगा फ्री में इलाज करो, हम कहेंगे कर नहीं पाएंगे, मरीज रेफरल रहेगा, यहाँ से वहाँ रेफर हो गया, वहाँ से वहाँ रेफर हो गया, रास्ते में मरीज की कैजुअल्टी हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो ये बिल हमारे विरोध में तो है ही है, हमारे से ज्यादा आम जनता के लिए विरोध बिल बेकार है। इसमें किसी पेशेंट का भला नहीं होने वाला। ऑलरेडी इतनी सारे स्कीम्स हैं, भामाशाह में है सब कुछ फ्री है, आरजीएचएस में है सब कुछ फ्री है, ईसीएचएस में सब कुछ फ्री है। सरकार अगर इतना ही भला सोचती है तो जो बेनिफिशरी इसी भामाशाह में कवर नहीं होते, चिरंजीवी योजना में कवर नहीं होते, सरकार उनका बीमा बनवाए
और उनका हम इलाज कर ही रहे हैं। ऑलरेडी चिरंजीवी योजना में सारी इमरजेंसी सब कुछ फ्री हो रहा है, लेकिन सरकार की मंशा क्या है, हमें फ्री कुछ नहीं मिलता। हमारे ऊपर कम से कम 50 से 60 कानून है, ये लाइसेंस वो लाइसेंस, जमीन हम खुद लेते हैं, कमर्शियल रेट में बिजली मिलती है, उसके बावजूद सरकार चाहती है कि सरकार का काम हम करें। राइट टू हेल्थ देना सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है सर। मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इसलिए आए हैं जो प्राइवेट सेंटर में है कि हम हमारे हिसाब से काम करें, क्योंकि उस सिस्टम में काम करना मुश्किल है। लेकिन सरकार क्या चाहती है कि सुविधा मिले, 5 स्टार फ्री में मिले, मैं मेरी जेब से पैसे दूं, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, उस मरीज को मैं ट्रांसपोर्ट करके जहां फैसिलिटी वहां भेजूं, कैसे संभव है सर? ये आप कह दो, एक मान लो कोई बुखार भी चला गया किसी होटल में, क्या फ्री में खाना खिला देगा सर? या 5 स्टार होटल में चला गया, क्या 8 रुपए की इंदिरा रसोई में खाना खिला देगा उसको कि 8 रुपए मिलते हैं और पूरा खाना खिलाओ हमें? सर, राइट टू हेल्थ से पहले हेल्थ की परिभाषा क्या होती है? अच्छा खाना होना चाहिए, शुद्ध हवा होनी चाहिए, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, वो तो सरकार कर नहीं पा रही। उसके बाद सरकार चाहती है कि इलाज, सर हेल्थ में ट्रीटमेंट नहीं आता, प्रिवेंटिव मेडिसिन सबसे पहले आती है, तो प्रिवेंटिव रेमेडी तो है ही नहीं। और इलाज जो सरकार उसके अपने दम पे करना चाहिए वो चाहती है कि हम करें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है लगातार जारी है और राजधानी के स्टैचू सर्कल पर ये जो प्रोटेस्ट है ये जारी है। और अभी कुछ देर पहले पुलिस ने जो डॉक्टर हैं इन पर लाठीचार्ज भी किया है, तो इनकी जो मांगे हैं वो लगातार जारी हैं। इनका ये कहना है कि जो राइट टू हेल्थ बिल की जो बात कर रही है सरकार, उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जिस तरीके से जो ये कहा गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इनका इलाज इन्हें जो है फ्री में करना चाहिए, कोई भी पेशेंट आता है एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से करनी चाहिए, लेकिन इनका विरोध जो है पूरे राजस्थान में जारी है। और राजस्थान की जो सेवाएँ हैं, चिकित्सकीय सेवाएँ, वो पूरी तरीके से इससे जो है आम जन और जो भी घायल हैं और जो भी मरीज हैं उनको काफी नुकसान झेलने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, टीवी 9।